तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेल्फी फिल्म के पूरे 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इंडिया में फिल्म की टोटल कितनी कमाई हो चुकी है, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या हाल चल रहा है, फिल्म का बजट कितना था, फिल्म हिट रही या फिर फ्लॉप। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी काफी दिनों से सुर्खियों में थी क्योंकि फिल्म के गाने बहुत ज्यादा सुपर हिट हो रहे थे। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ने तो कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और इसी के साथ साथ फिल्म के ट्रेलर को भी काफी पसंद किया गया था क्योंकि एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म थी और फैंस इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। और जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो प्लस पॉइंट ये रहा कि फिल्म की बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हुई, हर तरफ से फिल्म को तारीफें मिली, क्रिटिक्स ने भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया तो वहीं ऑडियंस भी फिल्म को खूब तारीफें कर रही थी। दोस्तों अगर बात करें फिल्म सेल्फी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि राज मेहता के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें हमें अक्षय कुमार, नुसरत भरूचा, डायना पेंटी और इमरान हाशमी अहम किरदार में नजर आए। फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए का था लेकिन फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है क्योंकि ओपनिंग डे कलेक्शन देखकर यह लग रहा था कि फिल्म का कलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है क्योंकि फिल्म ने अपने पहले दिन जहां 2,55,00,000 रुपए की इंडिया से नेट कमाई की थी तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 3 करोड़ रुपए का था। ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 80,00,000 रुपए कमाए थे तो फिल्म ने अपने पहले दिन पूरे वर्ल्ड से लगभग 3,80,00,000 रुपए की कमाई की थी लेकिन उसके बाद सैटरडे को फिल्म के कलेक्शन में अच्छा उछाल हमें देखने को मिला और फिल्म ने दूसरे दिन सैटरडे को कमाए लगभग 3,40,00,000 रुपए और अपने पहले 2 दिनों में ही फिल्म सेल्फी ने जहां इंडिया से 5,95,00,000 रुपए की कमाई कर ली है तो वही फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8,80,00,000 रुपए हो चुका है। तीसरे दिन फिल्म ने कमाए लगभग 4 करोड़ रुपए आज संडे को, क्योंकि आज संडे है तो फिल्म के कलेक्शन में कहीं ना कहीं हमें उछाल देखने को मिला है और इसका फर्क पठान फिल्म पर भी पड़ा है। लेकिन यहां पे अगर 4 करोड़ रुपए फिल्म आज कमा रही है तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इंडिया में 10 करोड़ रुपए हो रहा है तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 15 करोड़ ग्रॉस कर रही है जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की यह फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा तो जरूर पार कर जाएगी। लेकिन फिल्म का बजट काफी ज्यादा है तो मुझे लगता नहीं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर